अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज मौसिफ भाई की शादी है, तो उनका सुबह का निकाह हो गया था, तो सुबह के निकाह का ये छोटा सा वीडियो है, क्योंकि बारात शाम में निकली थी, निकाह सुबह हो गया था। एंड शादी का जो इतना पूरा वीडियो नहीं है मेरे पास, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं। वलीमे का जो है वो नेक्स्ट डे का, वो पूरा पूरा प्रॉपर मैं शेयर करूँगी, बट आज जितना हो सका उतना मैंने बताया है। तो ये सुबह का निकाह था, सुबह निकाह हो गया था, उसके बाद बारात निकले कि हम लोग शाम में निकले, वो आगे वीडियो में आपको देखने मिलेगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हम लोग रेडी थे, बट मुझे ना आके आके खड़े होना पड़ा, क्योंकि रुजैन देखो ना बहुत रो रहा था। रुजैन को ढोल की आवाज़ से ना सर में उसको दर्द होता है, उसको नहीं चलता है, तो वो रो रहा था, इसके लिए मैं इधर आके खड़ी हो गई थी। पापा कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह देखो, वो इन्जॉय कर रही है, और रुजैन रो रहा था। निज़ाम तो चाचा को छोड़ रहा ही नहीं था, उसने उसका ड्रेसअप भी पूरा अपने चाचा की तरह, मतलब मैंने दोनों को नवाबी शेरवानी बनाई थी, नवाबी, तो उसकी पूरी देखिए उसके चाचा के कलर की है और हुसैन की ब्लैक थी। बस अभी निकली है बैंड बाजा और बारात। रेडी थी लेकिन दूल्हे के दोस्त लोग उनको निकलने ही नहीं दे रहे, बस बजा रहे, इन्जॉय कर रहे थे,
और उसके बाद मैं तो बस में आ गई। मुझे बस में ज़्यादा मज़ा आई इन्जॉय करने, क्योंकि बस में सब एक साथ जब शादी के टाइम पे निकलते हैं ना तो ज़्यादा ही मज़ा आती है। तो मैं नहीं गई कार में, जाते ही रहते। मैंने बोली बस का इन्जॉयमेंट अलग होता है। अरे तो बस आ गए हम लोग, मिलिए मोहसिन भाई की दुल्हन से। ज़्यादा शादी के दिन का नहीं शूट कर पाई मैं, बस इसके आगे वीडियो थोड़ा ही है। तो मिलाती हूँ मैं आप लोगों को मोहसिन भाई की दुल्हन और मेरी देवरानी से। प्यारी लग रही है ना, चलिए मिलते हैं। वही हम लोग फ़ोटो ले रहे थे, वीडियो शूट चालू था ना। पता नहीं शादी का इतना ये था मेरा प्रॉपर लुक शादी के दिन का, इतना ज़्यादा मैं नहीं ले पाई वीडियो शादी के दिन, नहीं शूट कर पाई नेक्स्ट डे का, क्योंकि रुजैन बहुत रो रहा था।